हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। इस वीडियो में हम लोग YouTube चैनल आर्ट या YouTube बैनर बनाना सीखेंगे। तो आप जब भी कोई YouTube चैनल पे जाते हो तो आपको एकदम टॉप में YouTube बैनर दिखता है, तो इस वीडियो में हम वही बनाना सीखेंगे। तो YouTube बैनर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि कोई भी YouTube चैनल का बैनर है वो मोबाइल स्क्रीन पर जिस टाइप से दिखेगा वैसा लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, वहाँ थोड़ा अलग दिखता है। ऐसे ही टेबलेट स्क्रीन या टेलीविज़न, इन सब में अलग अलग टाइप से दिखता है। तो आप जब बैनर बना रहे हो तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस टाइप से अपने कंटेंट या जो भी बैनर में फ़ोटो वगैरह रख रहे हो उसको किस टाइप से एडजस्ट करो, ताकि हर एक स्क्रीन में आपका यूट्यूब बैनर है वो इफ़ेक्टिव लगे। तो इस वीडियो में हम एकदम सिंपल स्टेप से समझेंगे कि कैसे आप अपना यूट्यूब बैनर है वो हर एक टाइप की स्क्रीन, जैसे मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप या टेलीविज़न, इन सब पे एकदम इफेक्टिव तरीके से दिखा सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग कैनवा टूल यूज़ करके यूट्यूब बैनर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पे आना है, जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आए हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पे कैनवा सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको जो canva.com का लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो इससे कैनवा का वेबसाइट ओपन हो गया है और उसके होम पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, ताकि आप जो भी डिज़ाइंस बना रहे हो उनको आप फ्यूचर में भी रीयूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ कैनवा में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे वीडियो, यूट्यूब चैनल आर्ट, यूट्यूब थंबनेल। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे हम सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल आर्ट, तो आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल आर्ट का ऑप्शन दिखेगा। और यहाँ पे आप डायमेंशन देखो 2560x1440, और यही YouTube चैनल के बैनर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारे प्री बिल्ड YouTube चैनल आर्ट्स दिख रहे हैं, तो आप इन डिजाइंस को यूज करके इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके भी यूज कर सकते हो, या फिर आप एकदम स्क्रेच या ब्लैंक से शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एकदम ब्लैंक से यूट्यूब चैनल आर्ट बनाएंगे, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूट्यूब चैनल आर्ट को एडिट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एरिया डिफाइन करते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन सा पार्ट है वो मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा, कौन कौन सा पार्ट है वो टेबलेट में दिखेगा, और किस टाइप से ये लैपटॉप स्क्रीन में दिखेगा या टेलीविज़न में दिखेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ जो शो रूलर्स एंड गाइड्स है इस पर क्लिक करके आपको इसको इनेबल करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको टॉप में एक रूलर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। और यहाँ पे लेफ्ट में आपको रूलर दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल रूलर। तो ये रूलर हमारी हेल्प करेगा कि किस टाइप से मोबाइल में दिखेगा, किस टाइप से लैपटॉप में दिखेगा, ये सब के लिए। इसके बाद आपको यहाँ एलिमेंट्स पे जाना, और यहाँ पे आप जो लाइन एंड शेप्स है उसमें से यहाँ पे स्क्वायर है उस पर क्लिक करो। जैसे ही स्क्वायर पर क्लिक किया, आपकी जो यूट्यूब चैनल आर्ट है यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया। तो अब हम सबसे पहले इस स्क्वायर की डायमेंशन है उसको इस हिसाब से सेट करेंगे, जिससे ये स्क्वायर है वो एक मोबाइल स्क्रीन में प्रॉपरली दिखे। तो आपका यूट्यूब बैनर है उसकी मोबाइल स्क्रीन पे डायमेंशन होती है वो होती है 1546x423। मतलब ये जो यहाँ पे अभी स्क्वायर है इसको हमें रेक्टेंगल में बनाना है, और रेक्टेंगल की विड्थ है वो रखनी है आपको 1546। तो आप इसको अगर लेफ्ट साइड राइट साइड में स्क्रॉल करो तो देखो विड्थ देखते जाओ, ये जैसे ही 1546 होगा आपको वहाँ पे स्टॉप होना है। ऑलराइट, ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 1545 कर देते हैं। और जो हाइट है इसको हम करते हैं 423, तो अभी ये 665 समथिंग है, और हम इसको कर देते हैं 423। और इसके बाद हम इसको सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, और इसको आपको मूव करवाना है। तो यहाँ पे देखो अभी ये सेंटर में एडजस्ट हो गया है। सेंटर में एडजस्ट होगा मतलब ये दोनों लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना, वो दिखेगी। तो ये जो एरिया है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा। इसके बाद हम लोग एक रेक्टेंगल को और सेलेक्ट करेंगे, और उससे टेबलेट स्क्रीन में जिस हिसाब से दिखेगा वो वाला एरिया डिफाइन करते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल और आ गया है, यहाँ पे इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ताकि हम दोनों रेक्टेंगल में
फर्क पता कर सकें या डिफ्रेंशिएट कर सकें तो आपको यहाँ कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं रेड कर देते हैं, और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिखा है, इसको सेलेक्ट करना है, और ट्रांसपेरेंसी है आप इसकी कर दो 50। इसके बाद जो रेड वाला रेक्टेंगल है, इसको हमें जिस हिसाब से आपका यूट्यूब बैनर टेबलेट में दिखेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसकी डायमेंशन एडजस्ट करना है। तो टेबलेट में यूट्यूब बैनर है उसकी डायमेंशन होती है 1855x423, तो आपको 1855 है उसकी विड्थ करनी है। तो आपको यहाँ लेफ्ट में स्क्रॉल करना है, ऑल राइट 1482 है, इसको थोड़ा हम राइट में भी स्क्रॉल करते हैं तो ये 1854 मिल गया हमें। और इसकी हाइट है वो आपका जो ग्रे वाला रेक्टेंगल है वैसी होगी 423, तो हम इसको वैसे ही कर देते हैं। तो देखो इसका 425 हमें हाइट मिल गया, तो वो चलेगा। इसके बाद ये जो रेड वाला रेक्टेंगल है इसको भी हम सेंटर कर देते हैं, तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है और इसको आपको सेंटर कर देना है। तो देखो ये सेंटर हो गया, खड़ी लाइन और आड़ी लाइन आ रही है सेंटर में, मतलब ये सेंटर्ड हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रूलर यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो वर्टिकल रूलर है उस पर आना है। जैसे ही आपको यहाँ दोनों साइड में एरो दिखे, आपको इसको यहाँ पे स्क्रोल करके यहाँ पे एक रूलर सेट करना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेट करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे भी करना है। ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ करेंगे, तो आपको जो हॉरिजॉन्टल रूलर है उस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको नीचे भी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने रूलर से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दिए। अब ये जो रेक्टेंगल्स है इनको हम डिलीट कर सकते हैं, तो हम दोनों रेक्टेंगल्स को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो एकदम बीच वाला रेक्टेंगल एरिया है वो आपकी मोबाइल स्क्रीन का बैनर एरिया है, उसके बाद आपको जो ये बड़े वाला रेक्टेंगल दिख रहा है थोड़ा, ये आपका टेबलेट स्क्रीन में दिखेगा, और यहाँ पे आपको जो ये वाला रेक्टेंगल दिख रहा है वो आपका लैपटॉप स्क्रीन में दिखेगा, और जो सबसे बड़े वाला रेक्टेंगल है एकदम जो ये पूरा चैनल आर्ट का पेज है वो आपका टीवी में दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप कुछ एडिट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया है वो मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा, और कौन सा एरिया आपका टेबलेट व्यू में दिखेगा, किस टाइप से ये लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा, और किस टाइप से ये टीवी स्क्रीन पे दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग नॉलेज गेनर चैनल का यूट्यूब बैनर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अगर चाहें तो जो बैकग्राउंड है उसका यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए यहाँ क्लिक करना है, यहाँ कलर वाले ऑप्शन पर जाना है, और यहाँ पर आप कोई भी एक कलर सेट कर सकते हो, जैसे ये सेट कर दिया या फिर ये कर देते हैं, या फिर आपको कुछ एक्सटर्नल इमेज बैकग्राउंड में दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ अपलोड पे जाना है, फिर आपको अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है, और जहाँ से भी आपको बैकग्राउंड उठाना है वो सेलेक्ट करो और यहाँ पे ओपन करो। तो ये इमेज यहाँ पे जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपको इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसको एडजस्ट करके इस पूरे पेज पे यहाँ पे फिट कर देंगे, और अभी भी हमें यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइन या रूलर से वो अच्छे से दिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बैनर में जो चैनल का लोगो है उसको दिखाएंगे। अगर आप चाहो तो अपने बैनर पे अपनी इमेज या कोई भी इन्फॉर्मेटिव इमेज है वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो इसके लिए आपको फिर से अपलोड्स पे जाना है, अपलोड मीडिया पे क्लिक करना है, फिर जहाँ पे भी आपकी इमेज है वहाँ पे जाके आपको उस इमेज को इम्पोर्ट करना है। जैसे ये इमेज यहाँ पे पूरी तरह से अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये जो मोबाइल स्क्रीन है उसमें एकदम कॉर्नर में राइट साइड टॉप कॉर्नर पे दिखे, तो आप यहाँ पे उसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है। हम लोग यहाँ पे हेडिंग ऐड करेंगे, तो ऐड हेडिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो यूट्यूब। ऑलराइट, और इसको हम थोड़ा मूव करके ऊपर ले आते हैं, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसके बाद आप इस टेक्स्ट को और एडिट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स ऐड करते हैं, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे हम होलो वाला इफेक्ट ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे हेलो यूट्यूब है वो होलो टेक्स्ट हो गया, या फिर स्प्लाइस भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा और बेटर दिख रहा है। इसके बाद आपको कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे इस चैनल में हम कुछ और टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो इसके लिए आपको फिर से टेक्स्ट पे जाना है, और यहाँ पे हम सब हेडिंग ऐड करेंगे, तो ऐड ए सब हेडिंग पे क्लिक करना, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर।
और इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद लेट से हम लर्न का कलर चेंज कर देते हैं। तो लर्न सेलेक्ट करके आपको ए पे जाना है, और यहाँ पे आप कुछ कलर सेट कर दो, जैसे हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं, और जो ग्रो है उस पर भी हम ब्लू कलर सेट कर देते हैं। तो अभी तक हमने जो भी टेक्स्ट या इमेज डेटा ऐड किया है वो सारी स्क्रीन पे दिखेगा। लेट से हम लैपटॉप या टेलीविजन स्क्रीन से उन पर थोड़ा अलग से कुछ दिखाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे थैंक यू ऐड कर देता हूँ, और ये थैंक यू है मैं सिर्फ लैपटॉप वाली स्क्रीन पे ऐड करना चाहूँ। यहाँ तो यहाँ पे हमने जो थैंक यू वर्ड डाला है वो मोबाइल या टेबलेट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, वो बस लैपटॉप डेस्कटॉप या टेलीविजन स्क्रीन पे ही दिखेगा। तो यहाँ पे नॉलेज गेनर चैनल के लिए यूट्यूब बैनर का एक सैंपल रेडी हो गया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप फाइल टाइप है उसको PNG रहने दो क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी इमेज है, और उसके बाद आप डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे आपका यूट्यूब बैनर है वो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स वाले फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे जाना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यूट्यूब बैनर है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम इसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके देखते हैं कि किस टाइप से ये मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखेगा। तो इसके लिए आपको अपने चैनल पे जाना है, उसके बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ ब्रांडिंग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बैनर इमेज वाले सेक्शन में अगर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है तो यहाँ पे आप बैनर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, बट अभी के लिए मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। तो चेंज पे क्लिक करना है, उसके बाद जिस भी लोकेशन में आपका बैनर इमेज है उस पर जाना है, उस पर क्लिक करना है और उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो भी बैनर बनाया है वो यहाँ पे आ गया है। जैसे आप व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइस पे क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पे एरिया सेलेक्ट हुआ है इस रेक्टेंगल में वो सारी डिवाइस में दिखेगा, मोबाइल, टेबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप या टीवी। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखना चाहते हो तो जो हमने एडिशनली यहाँ थैंक यू लिखा था वो भी यहाँ दिखेगा। अगर आपको टेलीविजन पे देखना है तो ये इतना बड़ा सा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैनवा टूल के जरिए हमने जो भी यहाँ पे डायमेंशन सेट करके ये यूट्यूब बैनर बनाया है वो हर टाइप की स्क्रीन पे एकदम इफेक्टिव वे में शूट कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको डन पे क्लिक करना है तो इससे अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यूट्यूब चैनल आर्ट या यूट्यूब बैनर बनाना सीखा। यूट्यूब बैनर बनाते वक्त आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि मोबाइल में बैनर का साइज़ क्या दिखेगा, टेबलेट में क्या साइज़ रहेगा, या डेस्कटॉप या टीवी में किस टाइप का साइज़ रहेगा। तो ये सारी साइज़ है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप कैनवा टूल में रूलर्स के जरिए ये साइज़ आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। यह वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।